back to my channel. You guys are watching me on my YouTube channel Enjoy with Palak. So अभी दो तीन दिन में ही दिवाली है, मतलब आज 29 अक्टूबर है, तो ऑलमोस्ट दो तीन दिन में दिवाली है. सो आज मैं थोड़ा बहुत सामान लेने जा रही हूँ और सो या प्रिपरेशन फॉर दिवाली. और मैं आप सबको अपना मंदिर भी कैसे डेकोरेट करेंगी मैं दिखाऊंगी. और मैं शॉपिंग अभी तक दिवाली की नहीं की हूँ, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. और थोड़ा बहुत ऐसे ही नॉर्मल, मम्मी ने बोला कि जाके ले आओ सामान, तो मैंने सोचा कि चलो बहुत दिन से व्लॉग नहीं आया तो मैं व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ. सो अभी फ़िलहाल मैं ट्यूशन जा रही हूँ, ट्यूशन से डायरेक्ट मैं उधर चले जाऊँगी शॉपिंग करने. तो मैं आपसे मिलती हूँ जब मैं जाऊँगी. सो आज मैं आपको यहाँ की थोड़ी बहुत स्ट्रीट मार्केट्स भी दिखा दूँगी, घुमा दूँगी. सो पहली बार मैं बाहर व्लॉगिंग करूँगी, मैं हमेशा घर में करती हूँ. सो देखते हैं ये एक्सपीरियंस भी कैसा. तो फर्स्ट मैं एक ये रेड कलर का कुछ कपड़े टाइप का लाई, इसके ऊपर वो भगवान को बिठाते हैं. और एक मैं ये ग्लिटर लाई हूँ रंगोली के लिए. और एक मैं ये स्वास्तिक का स्टिकर लाई हूँ, एक शुभ लाभ का. और एक ये तोरण है और एक ये स्टिकर है. और ये दो ठो कैंडल लाई हूँ मैं, और ये लाइटिंग वाली है पीछे से. और एक ये मैं टूल लाई हूँ रंगोली टूल, इससे स्टेप्स ऐसे भरने में पता नहीं बोल रहे थे वो अंकल. और एक ये इससे ऐसे डॉट बनाते हैं ना वो है. और एक दिया लाई हूँ जिसको मैं पेंट करूँगी, अच्छा बड़ा है ये दिया. और असाइनमेंट पेपर्स और फाइल लाई हूँ क्योंकि मेरे को अपना असाइनमेंट बनाना है. सो बस अब मैं आपसे मिलती हूँ जब मैं अपने लिए शॉपिंग करने जाऊँगी. तो गाइज आज अभी जस्ट मैं अपनी पूजा की थाली लेके आई. मैं उस दिन जब सामान लेने गई थी ना तो मैं भूल गई थी, फिर मैं आज लेके आई. सो मेरा आई नो मेरा रूम मेस्ड है बट सो ये इस टाइप की कुछ थाली लगी. मैं देखो शुभ लाभ लिखा है और गणेश बना है. सो या मैंने सोचा कि मैं शेयर कर दूँ. और मैंने ये भी बनाया है देखो पेपर से. और इस टाइप के कुछ दिए लिए, ये तो सैंपल के लिए थे फिर मैंने रखी थी यहाँ पे. और बाकी दियों को तब मैंने पेंट किया है, सूख रहे होंगे आई थिंक, सूख गए. दिवाली के लिए लक्ष्मी पूजा के लिए. सो वो तो मैं आपको दिवाली के दिन ही दिखाऊंगी दिवाली वाली ड्रेस. और मैं सीधा दिवाली का ब्लॉग बनाऊंगी, मैं सोचा धनतेरस का ब्लॉग नहीं बनाऊंगा क्योंकि धनतेरस सिंपल सा ही होता है. सो मैं सीधा आपको दिवाली के ब्लॉग पे मिलती हूँ. सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.